हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल टेक आनंद में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे यूट्यूब चैनल टेक आनंद पे मैं ऑनलाइन अर्निंग संबंधित वीडियोस और टेक्निकल वीडियोस लाता हूँ फ्रेंड्स। तो आज का वीडियो जो है फ्रेंड्स वो एक टेक्निकल वीडियोज है। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे फ्रेंड्स कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से अपने आधार कार्ड को PDF वर्जन में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका और भी कई फीचर्स हैं फ्रेंड्स। पासवर्ड कैसे खोलना है ये सारी जानकारी फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने बताया है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट करेंगे फ्रेंड्स कि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपके लिए और भी बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में मैंने बताया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और इसी तरह की जर्मीन जानकारी के लिए मेरे यूट्यूब चैनल टेक आनंद को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जो है फ्रेंड्स वो ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो वो वीडियो जो है वो आपके पास पहुँच सके और उसको देख के आप उसका लाभ जरूर उठा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं मोबाइल और लैपटॉप के स्क्रीन पे। आपको बताता हूँ कि अपने मोबाइल से आप घर बैठे या लैपटॉप से कैसे आप अपना आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पासवर्ड खोलने के लिए भी मैं सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मैं आ गया हूँ अभी लैपटॉप के स्क्रीन पे। आप सेम वर्क जो है फ्रेंड्स अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं, चाहे वो नया मोबाइल हो या। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख पा रहे होंगे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम खोल लिया है। तो सिंपली फ्रेंड्स, आपको आधार कार्ड जो है डाउनलोड करने के लिए दो तरीका है फ्रेंड्स, एक आपके आधार नंबर से और दूसरा एक होता है रिसीविंग से। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने आधार कार्ड से जो है कैसे अपना UDI यानी कि आधार कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको क्रोम में सर्च करना है UIDAI। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप UIDAI आधार जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिख के सर्च करते हैं तो आपको इस प्रकार जो है फ्रेंड्स वो वेबसाइट खुलता है। तो यहाँ पे ब्लू कलर का लिंक जो है वो फ्रेंड्स 3-4 आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आपको सिंपली जो है फ्रेंड्स ई आधार के ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना है। ये देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप, ई आधार के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो ये एक ऑनलाइन पोर्टल है फ्रेंड्स आधार की तरफ से लॉन्च किया गया है। इस पे आधार कार्ड का पूरा इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे की ओर स्क्रॉल करते हैं तो देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स आप यहाँ पे आधार सर्विसेज का जो है फ्रेंड्स आप घर बैठे आसानी से जो है फ्रेंड्स आप जो है यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सर्विस क्या क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स मैं थोड़ा वो बता दूं आपको। सबसे पहले वाले सर्विस से फ्रेंड्स आप आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरे वाले सर्विस से फ्रेंड्स जो है आप ऑर्डर आधार PVC कार्ड यानी कि आधार कार्ड का जो PVC कार्ड होता है फ्रेंड्स वो आप यहां से ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट आपका गवर्नमेंट की तरफ से जो है PVC कार्ड बनके आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद उसका स्टेटस देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने PVC कार्ड ऑर्डर किया तो उसका स्टेटस क्या है। उसके बाद जो है फ्रेंड्स इनरोलमेंट एंड अपडेट का स्टेटस आप यहां से देख सकते हैं। कुछ आधार कार्ड में अगर करेक्शन करवाए हैं या अपडेट करवाए हैं तो वो यहां से देख सकते हैं। उसके बाद जो है फ्रेंड्स लोकेट इनरोलमेंट सेंटर, अगर आपको सेंटर का मालूम नहीं है तो यहां से आप सेंटर भी देख सकते हैं आधार कार्ड का सेंटर कहां कहां पे है। बुक एंड अपॉइंटमेंट, यहां पे आप एक अपॉइंटमेंट भी जो है बुक कर सकते हैं कि आपको कौन सा डेट दिया गया है आधार सेंटर पे जाने का। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आधार नंबर जो है रिट्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स, अगर आपका आधार खो गया है तो वो भी यहां से कर सकते हैं। उसके बाद अपने आधार कार्ड से जो है फ्रेंड्स अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं आप यहां से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स VID जनरेटर, VID एक नंबर होता है फ्रेंड्स आप जानते होंगे आधार में, वो आप जनरेट कर सकते हैं यहां से। उसके बाद जो है फ्रेंड्स लॉक अनलॉक आधार, यहां पे आप अपने आधार को लॉक अनलॉक भी कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि मेरे आधार से कोई फ्रॉडेंट ना हो, कोई मेरे आधार से फ्रॉड नहीं करे तो उसको आप लॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स या जरूरत पड़ने पर अनलॉक कर सकते हैं। फाइल ए कंप्लेंट, यहां से आप आधार संबंधित जो है कोई शिकायत भी कर सकते हैं। और यहां पे चेक कंप्लेंट स्टेटस, यहां पे उसका स्टेटस भी देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने जो शिकायत किया है उसका स्टेटस क्या है। तो इतने सारे सर्विस का जो है फ्रेंड्स आपको यहां पे ऑप्शन मिल जाता है यूज करने का। सिंपली फ्रेंड्स सबसे पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डाउनलोड आधार के ऑप्शन पे। यहां पे तीर का सिंबल है फ्रेंड्स, तीर के सिंबल पे क्लिक करते हैं। जैसे ही तीर के सिंबल पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो आप देख पा रहे हैं यहां पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है फ्रेंड्स आधार कार्ड डाउनलोड करने का। पहला ऑप्शन देख पा रहे हैं फ्रेंड्स आधार कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन जो है फ्रेंड्स वो इनरोलमेंट आईडी का है, जो आप रिसीविंग या फर्स्ट बार आधार कार्ड अपना जो है बनवाते हैं तो रिसीविंग देता है फ्रेंड्स, उसमें इनरोलमेंट आईडी होता है फ्रेंड्स, उसके द्वारा आप यहां पे देख सकते हैं। उसके बाद वर्चुअल आईडी VID जिसको कहते हैं फ्रेंड्स, उसके द्वारा अपना आधार को जो है यहां पे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहां पे आधार नंबर से जो है फ्रेंड्स डाउनलोड करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले वाले कॉलम पे जो है फ्रेंड्स इंटर आधार नंबर, यहां पे अपना आधार नंबर और नीचे में इंटर कैप्चा, ये कैप्चा जो देख पा रहे हैं फ्रेंड्स ये कुछ लिखा हुआ है, 2-4 अक्षर कुछ लिखा हुआ है फ्रेंड्स, तो आपको सेम यहां पे जो है इंटर करना है। तो मैं ये दोनों कॉलम फिल करके जो है फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ता हूं, इसको फिल कर लेता हूं पहले। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स मैंने दोनों कॉलम को जो है यहां पे फिल कर दिया है। पहले वाले कॉलम में अपना आधार नंबर और दूसरे वाले कॉलम में जो है फ्रेंड्स ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको कैप्चा कहते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे फिल कर दिया है।
नीचे में सेंड ओटीपी का बटन है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो आप देख पा रहे होंगे ओटीपी सक्सेसफुली डिस्पैच टू योर आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर जो मेरा रजिस्टर है फ्रेंड्स आधार के थ्रू, वो यहाँ पे जो है इंटर करना है। यहाँ पे आधार नंबर जो है फ्रेंड्स ओटीपी मेरा मोबाइल पे आ गया है, मैं अपना जो है फ्रेंड्स ओटीपी यहाँ पे इंटर कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है फ्रेंड्स अपना ओटीपी आप देख पा रहे होंगे इंटर कर दिया। नीचे में वेरीफाई एंड डाउनलोड का ऑप्शन है फ्रेंड्स, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो मेरा आधार जो है वो वेरीफाई हो जाएगा और ये डाउनलोड होने लगेगा। आधार जो है फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि कॉन्ग्रेचुलेशन योर आधार कार्ड हैज बीन सक्सेसफुली डाउनलोडेड। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन जो है फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन आपको जानना जरूरी है फ्रेंड्स, नहीं तो आप अपने आधार कार्ड का एक्सेस नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आधार कार्ड जो है वो पीडीएफ वर्जन में जो है फ्रेंड्स डाउनलोड होता है और उस पर पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है फ्रेंड्स। उसको कैसे आपको करना है ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया है, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप बारीकी से देखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स, पहला अक्षर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है द आधार लेटर पीडीएफ पासवर्ड विल बी इन 8 कैरेक्टर, पासवर्ड प्रोटेक्टेड है फ्रेंड्स और 8 कैरेक्टर का जो है पासवर्ड यहाँ पे लगाया गया है। कॉम्बिनेशन ऑफ द फर्स्ट 4 लेटर ऑफ योर नेम, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके नाम का फर्स्ट 4 लेटर, यानी कि जो भी आपका नाम हो तो उसका फर्स्ट 4 लेटर जो है फ्रेंड्स वो कैपिटल अक्षर में यहाँ पे लगेगा। उसके बाद जो है फ्रेंड्स एन ईयर ऑफ बर्थ इन ईयर फॉर्मेट, उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे अपना साल देना है फ्रेंड्स, जन्म तिथि जो होता है वो साल ईयर सिर्फ यहाँ पे फिल करना है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसे किसी का नाम अनीस कुमार है और योर बर्थ ऑफ ईयर इज 1989, मान लीजिए कि किसी का नाम जो है फ्रेंड्स वो अनीस कुमार है और उसका जन्म वर्ष जो है 1989 है, देन पासवर्ड क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ANIS, ये 4 अक्षर जो है फ्रेंड्स यहाँ पे लिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जो है ईयर, डेट ऑफ बर्थ पूरा नहीं डालना है फ्रेंड्स, सिर्फ आपको यहाँ पे ईयर डालना है। तो यहाँ पे जो है फ्रेंड्स आपका पासवर्ड जो है ये बन जाएगा। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पे देख पा रहे होंगे नीचे में यहाँ पे क्लिक करते हैं और सो फोल्डर पे क्लिक करते हैं, सो फोल्डर पे जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स तो देख पा रहे होंगे ये मेरा आधार कार्ड है। इस पे डबल क्लिक करके खोलने का कोशिश करते हैं। के लिए सबसे पहले आप जो है फ्रेंड्स सीख लीजिए, सबसे पहले अपना 4 अक्षर का नाम जो है पहला फ्रेंड्स कैपिटल में वो फिल करना है, मैं यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। उसके बाद जो है फ्रेंड्स आपको जन्म ईयर देना है, किस साल में आपका जो है जन्म ईयर है, ईयर कौन सा है वो देना है यहाँ पे और ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स आपका आधार कार्ड यहाँ पे खुल के आ जाएगा। मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल करके ओके पे क्लिक कर दिया है, थोड़ा सा वेट करते हैं फ्रेंड्स, प्रोसेस हो रहा है, ये खुल जाएगा। आप देख पा रहे होंगे आपके सामने में खोल के ये दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने अपना यहाँ पे जो है आधार पासवर्ड डाला, पीडीएफ पासवर्ड डाला, तो मेरा यहाँ पे जो है सारा कुछ जो है फ्रेंड्स वो आ गया है। एनरोलमेंट नंबर भी जो है फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, नया यहाँ पे अपडेट आया है, एनरोलमेंट नंबर भी जो है यहाँ पे दिया जा रहा है फ्रेंड्स आधार कार्ड में। यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स कि मेरा नाम, उम्र, डेट ऑफ बर्थ जो भी है, सो सारा डिटेल्स यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे मेरा पिक भी आ गया है फ्रेंड्स, तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे जो है इसको जो है आप प्रिंट आउट करवा सकते हैं फ्रेंड्स, या इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपना काम जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि आधार कार्ड डाउनलोड करना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे ज्यादा उलझन जो होता है फ्रेंड्स वो आदमी को होता है इसके पासवर्ड में। पासवर्ड जो है फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल कर दिया गया है, पासवर्ड आपको आपके नाम का फर्स्ट 4 लेटर कैपिटल में डालना है और आपका ईयर ऑफ बर्थ डालना है, यानी कि किस साल में आपका जन्मतिथि है वो ईयर डालना है, और यहाँ पे जो है आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलेंगे ऐसे ही नए वीडियो में, टेक्निकल वीडियोस में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए और इसी तरह के जन्मदिन जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए आपका बहुत